साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि भाइयों आज मैं आपको ट्रेंच विधि की वो जानकारी दूंगा जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। तो भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा ट्रेंच विधि का गन्ना है सिंगल लाइन। साथियों आप देख पा रहे होंगे कि खेत में पानी भरा हुआ है। और भाइयों, पिछले कई रोज़ से काफ़ी बरसात हो रही थी। तो भाइयों आप देख पा रहे होंगे कि हमारा गन्ना बिल्कुल सीधा खड़ा है, कहीं से भी कोई भी गन्ना इधर उधर नहीं झुका है, नहीं गिरा है। और साथियों, इसी वीडियो में मैं आपको सादा विधि का गन्ना भी दिखाऊंगा कि उसकी इस बरसात ने क्या हालत कर रखी है। तो भाइयों वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारी गन्ना वैरायटी 0238 है। और साथियों, इसकी एक हमने बंधाई भी करा रखी है। तो भाइयों आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा गन्ना बिल्कुल सीधा खड़ा है, बिल्कुल भी किधर को भी नहीं झुका है, नहीं गिरा है। और किसान भाइयों, ट्रेंच विधि से गन्ना बोने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हमारा गन्ना लास्ट तक खड़ा रहता है। जब गन्ना खड़ा रहता है तो किसान साथियों गन्ना पैदावार भी अधिक देता है। और भाइयों, कुछ किसान भाई सोचते हैं कि ट्रेंच विधि गन्ने में साधारण विधि के मुकाबले पैदावार कम होती है, लेकिन किसान भाइयों ऐसा नहीं है। पैदावार ट्रेंच विधि के गन्ने में ही होती है। और कुछ किसान साथी सोचते हैं कि साइडों में बहुत जगह खाली रह जाती है, लेकिन साथियों इस विधि से अगर आप अपने गन्ने की बुवाई करते हो तो सारा एवरेज निकल आता है। साथियों, इस विधि से बुवाई करने पर लागत भी बहुत कम आती है, क्योंकि किसान भाइयों बीज की मात्रा भी लगभग आधी हो जाती है। जितनी भी हम खाद देते हैं उनकी भी मात्रा लगभग आधी हो जाती है। जितनी भी हम स्प्रे वगैरह दवा गोली यूज करते हैं किसान भाइयों, सब की मात्रा लगभग आधी हो जाती है। और साथियों, सबसे बड़ा फायदा यही मिलता है कि हमारा गन्ना गिरने नहीं पाता। और साथियों आप सोच रहे होंगे कि इतनी दूरी पर गन्ना बोने से पैदावार घटेगी, लेकिन किसान भाइयों ऐसा नहीं है। क्योंकि भाइयों, जितने भी गन्ने तैयार होते हैं इसमें, वो सारे स्वस्थ गन्ने लास्ट तक रहते हैं। और किसान भाइयों, वहीं अगर हम सादा विधि से अपने गन्ने की बुवाई करते हैं 28-30 इंची पर, तो किसान भाइयों शुरुआत में आपने देखा होगा कि हमारे खेत में गन्नों की संख्या अधिक होती है, लेकिन भाइयों जब हम अपने गन्ने की बंधाई करा देते हैं तो गन्नों की संख्या बहुत कम हो जाती है। और भाइयों, ये सादा विधि का हमारा गन्ना है। आप देख पा रहे होंगे कि बंधाई होने के बाद भी किसान भाइयों इस गन्ने की हमने दो बंधाई करा रखी थी। और साथियों अब आप देख सकते हो कि क्या कंडीशन है। भाइयों, अगर इसको हम दोबारा से खड़ा कराएंगे तो भाइयों बहुत खर्चा आएगा। और किसान भाइयों अगर इसको खड़ा नहीं कराते तो बहुत गन्ना सूख जाएगा। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे कि कौन सी विधि में हमको ज़्यादा फायदा है। साथियों आप देख पा रहे होंगे कि बरसात ने सादा विधि गन्ने की कितनी बुरी हालत कर रखी है। तो किसान भाइयों, आगे मैं आपको सादा विधि का एक और खेत दिखाऊंगा, क्योंकि भाइयों उसमें भी देखोगे कि गन्ने की क्या कंडीशन है। तो भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सादा विधि गन्ना बोने में किसानों को फायदा होने की वजह
घाटा होता है। तो साथियों, कुछ लोग ये समझते हैं कि इतनी दूरी पर गन्ना बोने से पैदावार डाउन होती है, लेकिन किसान साथियों, पैदावार डाउन होने की वजह पैदावार अधिक होती है, खर्चा कम होता है। किसान भाइयों, जब हमारा खर्चा कम होगा, पैदावार अधिक होगी, तो साथियों बचत भी ज़्यादा होगी। किसान भाइयों, अब मैं आपको दूसरे खेत पे लेके चलूँगा, उसमें देखना, वो भी साधारण विधि से गन्ने की बुवाई थी, और भाइयों उस गन्ने का भी इस गन्ने की तरह हाल है। जैसा कि आप साथियों देख पा रहे हो कि बरसात ने सारे गन्ने को गिरा रखा है। और भाइयों, ये दूसरा खेत है, आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बुरी तरह से गन्ना गिरा पड़ा है। तो किसान भाइयों, इसके बाद मैं आपको अपना दूसरा ट्रेंच का गन्ना दिखाऊंगा, वो भी देखना। तो साथियों, अब हम अपने दूसरे खेत पर आ गए। ये हमारी गन्ना वैरायटी 0118 है। और किसान साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा गन्ना इस खेत में भी एकदम बेहतरीन खड़ा है। और साथियों, नालियों में काफ़ी पानी भी भरा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो किसान भाइयों, साथियों, अगर आप ट्रेंच विधि से गन्ना लगाने की सोच रहे हो, तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको कृषि यंत्र बनाने होंगे, अन्यथा भाइयों, ट्रेंच विधि का गन्ना करने में आपको सफलता नहीं मिलेगी, उल्टा फायदा के जगह घाटे में जाओगे। अगर साथियों, अगर आप छोटा ट्रैक्टर लेना चाहते हो, तो 5 फुट पर सिंगल लाइन की बुवाई कर सकते हो, अन्यथा भाइयों 40-42 इंची पर इसकी बुवाई करें, क्योंकि भाइयों उसके सारे कार्य पावर टिलर से आसानी से हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाइयों साथ में घंटी को ऑल पर दबाना ना भूलें। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।